गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और डेली की हमारी मॉर्निंग ऐसे ही होती है। लगी को मॉर्निंग में बहुत पारू पारू चाहिए होता है, तो जनाब पापा के साथ गए थे मॉर्निंग वॉक पे। उसके बाद में आकर अब मेरे पास में देखो कैसे मस्ती करा, अब मेरे से खुजली करवाएगा कि मेरे खुजली करो। ये तो हमारा डेली मॉर्निंग का रूटीन है। तो थोड़ा सा इसके बाद मस्ती करने के बाद मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। ये देखो ये मेरी मैडम का भी गुड मॉर्निंग हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए बाद में मिलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग करा दिए, वरना बोलो कि अपनी फ्रेंड दिखाती भी नहीं हो, छुपा के रखी है। रुचि की नींद पूरी नहीं हुई तो वो वापस से सो गए और लकी देखो बेड के नीचे घुसा हुआ है। और आपको मिलाती हूँ हमारे नए फैमिली मेंबर से, ये हमारी हाउस हेल्पर है, कविता नाम है, बहुत ही प्यारी लड़की है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ हम सबके लिए, तो मिलाती हूँ आपको, उससे बात कराती हूँ। तो अभी हम लोग भी नाश्ता करेंगे फिर मिलते हैं। कुछ बोलना है कविता दोस्तों को? हाय, हेलो, हाय कर दो। हाय, बहुत अच्छी लड़की है ये। लॉन्ड्री से भी हमारे कपड़े आए हैं और लकी हमारे घर में कुछ भी आता है ना तो आगे ही बन के गार्जियन खड़े हो जाते हैं। ये भैया जब भी कपड़े लेकर के आते हैं ना तो इनको बहुत मजा आता है। ये बिल ना लकी को देते हैं क्योंकि लकी एकदम चौधरी की तरह बिल लेता है, फिर ला करके हम लोगों को देता है। तो उनको ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बोलते यही सब घर का करता धरता है। देखो फिर लेकर के बैठ गया है, तभी मैं लूंगी ना तब मुझे दे देगा, पापा को दे देंगे। और लकी देखो उनका साथ देते, बगल में बैठे रहते। रुचि से बहुत जल्दी इसकी दोस्ती हो गई है। ऐसे करेगी ना, ऐसे टांगे सब ऐसे फैला देगा, कहेगा क्या और अच्छे से करो। लकी क्या हो गया, कहाँ गई रुचि मासी? रुचि मौसी कहाँ गई है? देखो भागा, कहाँ गई? रुचि देखो तुमको जान गया कि तुम ही रुचि हो। हाँ गया चेक करने। तो ये देखो लकी ने रुचि के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, अभी देखना। जैसे वो हम लोगों से बिहेव करता बिल्कुल वैसे ही रुचि के साथ भी करने लगा, एकदम घुल मिल गया है। लकी नहीं करेंगे अब। कह रहा जबरदस्ती करो, बस कथा करो। बस पूरा हक जता रहा है रुचि के ऊपर, पूरा हक। अब लकी से मेरी दोस्ती हो गई है। ये हाँ यही करते हो, तो कुछ बोल रहा है हाँ यही। क्या क्या अमिताभ बच्चन बन गए हो? लोग कंपटीटर हो जाएंगे। देखो हमको छोड़ के रुचि के पास लेटने गए हैं, ऐसे मेरे पास में लेटते थे जनाब। रुचि देखो कितने ध्यान से देख रही है। लकी पूरा साथ दे रहा है रुचि का टीवी देखने में। अनुपमा आ रहा है, भाई अब लोग देख रहे हैं। डिनर मेरा रेडी हो गया है, ये मैंने बनाई है लौकी की दाल। हमारे पास बताना। अच्छा बैग से आवाज आ रही है, मेरे पास अपना कैमरा लेकर मत आना, तो हम इतनी कृपा कर देंगे। इसमें राइस मैंने बनाया है, इधर भाजी बनाया है, इधर रोटी बनाया है। तो ये आज का मेन्यू है दोस्तों, आप मेरा थोपड़ा देख सकते हैं, है ना। ये सब मैंने किया है और लकी को दिखा देती हूँ। लकी इधर है और मेरी फ्रेंड मना कर रही है, तो उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ कैमरा नहीं घुमाया जाएगा, उसकी जगह पे इसको देख लो। ये देखो बॉटल लेकर आए, पहले ही कब्जा करके बैठ गए खेलने लगे। देखो भाई हम आए, इनके घर में मेहमान है, कोई चाय नाश्ता पूछ ही नहीं रहा, ऐसे मेहमान नवाजी की जाती है? चाय पीनी है? अरे बुलाए हो तो स्वागत करो हमारा। तो स्वागत करो हमारा, तो जाओ बना लो जा करके हम लोगों के लिए। सोचो भाई लोग आना मत कभी लोग के घर में, आओ तो खुद ही बोल के जाओ बना लो जाकर। कोई खुशी नहीं दिख रही है, चाय नाश्ता कुछ दिया ही नहीं, बोलते रहे बनाओ मेरे लिए भी थोड़ा सा। लकी जी क्या हाल है? लकी जी को भी तुमसे अब मतलब नहीं है। लकी जी को भी मतलब नहीं है। अच्छा फिर और बाकी क्या हाल चाल है? बाकी सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अभी खाना बनाया नहीं है, वेट कर रहे तुम्हारा। हाँ मैं तो बनाए। अरे हमें लगा कि तुम भी बोलोगे, तुम्हारा मन मान लो बनाने का कुछ। तो कपड़े हैं उसमें, मैंने नहीं रखा, लकी ने रखा है। फिर लकी ने रखा, मैंने नहीं रखा। लकी ने वहाँ कैसे रख दिया? मैं उठा उठा कैसे तो खेल रहा था ना, तो रख दिया। देखो अब लकी को कुछ नहीं बोलेंगे, देखा। अब बोलो लकी को। लकी क्या बोलूं, लकी थोड़ी नहीं रखा है। लकी नहीं रखा है, बताओ रुचि किसने रखा? लकी ने रखा था ना। मैंने नहीं देखा। ये डायलॉग तो सबसे बढ़िया मैंने देखा।
बेइज्जती हो रही है, फोन काट, ये वीडियो काट देते हैं। ये देखो खाना आ गया हमारा, वही रखो वही खाएंगे। ओहो देखो दोस्तों सब्जी भी आ गई, खाना भी आ गया, चावल भी आ गए, मैडम भी आ गई हैं। तो अब हम लोग खाना खाते हैं और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। खाना सेहत से बहुत अच्छा बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खाने के बाद ही पता चलेगा टेस्ट कैसा है। मैडम भी आ गई खाने के लिए, सब लोग खाने के लिए रेडी।